नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और दर्शकों, प्रेमी न्यूरोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको करने हैं भर भर के लाइक, क्योंकि आएगा बहुत ही मजा। दोस्तों मैंने अभी जैसा आप देख रहे हैं कि जिन जिन लोगों की लाइफ में कोई चिड़चिड़ी हुई पड़ी है, कोई पिड़पिड़ी हुई पड़ी है, कोई सो सो हैप्पी है, मैंने चिल्ड्रन चार्ट्स को लेके एक और मैंने क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन की है जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। ऑब्जर्वेशन की है तो आपके साथ तो बांटूंगी और आप भी मुझे बताना कि आपने क्या ऑब्जर्व किया और आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो आप देखते ही हैं कि रोज डेली एपिसोड्स आते ही हैं हमारी बिलोगर्नी जिज्जीज एंड जिज्जाज के, आते ही रहते हैं ना हमेशा। कभी वो घूमने जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी उम्मीद से हो रहे हैं, कभी टांका भिड़ा उनका, मतलब चलता ही उनका नॉर्मल चलता रहता है स्टफ, डेली का एपिसोड आता है तो उनके डेली के कमेंट्स भी आते रहते हैं नीचे। चिलम चाट पेटीकोट उठा के नाच रही होती हैं, जिजी ऐसा चाहिए हमको भी, जिजी स्वीट कपल, जिजी आई लव यू, जिजी अगला वीडियो आप जो है 1790 में पहन के बनाना, इस तरह के कमेंट्स आते हैं जब इनका नॉर्मल फेस चल रहा होता है उस टाइम पर। वही 100-150 गिनते के, मतलब एवरेज उतने ही आते हैं। लेकिन जैसे ही कोई भी जिजी, कोई सी भी जिजी अपने दुख की दुकान खोल के बैठती है, दुख की दुकान मतलब उनका सैड फेज चल रहा होता है, पति की सताई हो जाती है या सास की सताई हो जाती है या फिर यही रोना हो जाता है कि हमने अकेले बच्चा पैदा कर लिया है, ये बहुत सारी बहुत सी और कुछ नहीं समझ आता तो कभी कभी इनको भूति चपट लेते हैं। तो जब ये ऐसी स्टोरी सुना रही होती हैं तो वो सैड फेज होता है, म्यूजिक वगैरह लगाया जाता है, जिजी आंसू बहाती है, नीचे चिलम्स भी आंसू बहाती है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आती, मान लीजिए किसी जिजी के पास 100 कमेंट्स होते हैं लेकिन जैसे ही सैड फेज में जाती है जिजी तो 500, 500, 600, 600 कमेंट्स हो जाते हैं और सारे के सारे, अब लाइन से कमेंट पढ़ लो, सारे के सारे सेम टू सेम जिजी वाले होते हैं। जिजी हमको ऐसा लगता है आप हमारी जीवन जी रही है, जिजी हमारे साथ भी सेम टू सेम ऐसे हुआ, जिजी ऐसा ही हुआ था, जिजी भूत ने यहीं से पकड़ा था। तो ये कैसे होता है, ये चिलम कहाँ मिलती है सेम टू सेम वाली और कहाँ को चली जाती हैं? जैसे जिजी का फिर से नॉर्मल साइकिल चालू होती है, नॉर्मल फेज शुरू होता है, ये सारी चिलम फिर से गायब हो जाती है। ऐसा होता है जैसे कि जैसे एक भरी हुई बस में किसी ने पात दिया, वो पात कहाँ से आया किसी को पता नहीं चलता, बहुत सारे लोगों को घायल करता, वो कहाँ को चला जाता है वो भी किसी को पता नहीं चलता, कहाँ से आई थी कहाँ को जाएंगी दीवाना जाने किसे बनाएगी। तो मैं वही बोल रही थी कि ये सैड फेज वाली वो सेम टू सेम वाली आती है, फिर जैसे जी नॉर्मल फेज में स्विच कर जाती है तो वो वाली ये सैड वाली सेम टू सेम वाली चली जाती है और अचानक से वो वाली फिर से आ जाती है जो पेटीकोट उठा के नाच रहे थे, आह जिजी वाह जिजी वाली वो वाली। तो मेरे दिमाग में ये क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, ये स्लॉट वाली चिलम्स कहाँ मिलती है और कैसे पाई जाती है, कि जो कौन सा फेज आ रहा है उस हिसाब से क्राउड आपका नीचे जमा हो जाएगा, फिर वो आह जिजी वाला भी होता है, सेम टू सेम वाला जिजी वाला भी होता है, कहाँ कैसे कब क्यों, आपको क्या लगता है? चिल्लम से मुझे एक और चीज याद आई, एक और चीज मैंने नोटिस करी। आप जानते हैं कि हमारी छुन छुन की नानी आजकल पहाड़ा बच्चे घूम रही है और हमारी एमकोड़े तो पहाड़ा बच्चे ही घूमती रहती है, मतलब अगर वो ऐसा हो गया है कि अगर वो कैंपस के कमरे में बैठी हो तो दिमाग से वो पहाड़ा बिच्छी घूम रही होती है, वो इतनी पहाड़ों में रहती है। तो हमारी जब इंकुड़ी घूमने निकलती है, पहाड़ा बिच अक्सर पहाड़ा बिच्छी घूमती है, वहां घूमने निकलती है तो हमको बताती है वो इंकुड़ी, तो पिंकुड़ी पूरा डीजे टब्बर बताता है कि ढेर सारे चिलम चाट्स मिले थे, ढेर सारे, इनको मिलते रहते हैं, इनको टकराते रहते हैं, इनसे बहुत सारा प्यार करते रहते हैं और इनके साथ फोटो खिंचा नहीं पाते क्योंकि कोई भी फोन लेके चलता नहीं, वो अलग बात है, लेकिन मिलते हैं इनको बहुत सारे। तो ये हमारी जो छुन छुन की नानी वहां पे घूम रही थी, इनको एक भी नहीं मिला पहाड़ बिच घूमते हुए, कोई भी इनको चिलम चाट मिला नहीं, यहाँ तक कि नाना नानी कैमरा उठाए झूले पे दौड़ते हुए इधर से उधर भाग रहे थे, तब भी किसी ने नहीं पहचाना। और तो और छुन छुन की नानी एक बाइक वाले के आगे छलांग मार दी, तो वो भी हॉर्न बजा के चलाट करके आगे चला गया, कुल मिला के किसी ने घास नहीं डाली उनको वहां पर। मैं सोच में पड़ गई, मेरे को तो टेंशन होगी ऐसे कैसे बताओ, फिर मेरे दिमाग में अरे इनके पास अपनी कवरी है ना, 40 साल की गांव की छुटकू पुटकू इंकुड़ी, फिर मुझे समझ में आएगा और तसल्ली होगी। वैसे भी देखिए लोकल गुंडे को लोग ज्यादा जानते हैं, आउटसाइडर्स को ज्यादा लोग जानते नहीं है, पहचान ही नहीं पाते फिर। अब देखिए मैंने कल ही भविष्यवाणी आकाशवाणी कर दी थी कि इंकुड़ी द पिंकुड़ी और लुमर द घूमर पीआर करने वाली है और वही हुआ। मैंने बोला था ना इस माल बटोरने गई है, फ्री का माल बटोरने गई है इसलिए कैमरा लेके नहीं गई थी, और देख लो आज प्यार चालू हो गया उनका। इंकुड़ी के एपिसोड की शुरुआत ही हुई, डब्बे में से चादर कंबल निकाले गए, दिखाए गए और हिलाए गए और बोला गया ये प्यार का नहीं है,
ये स्पेशली बोला गया, और ये बोलते ही अचानक से ब्रांड के नाम बताए गए। और मतलब देखिए, चिलम चाट को अगर छोड़ दिया जाए और इंकुड़ द पिंकुड़ के वकीलों को छोड़ दिया जाए, तो आपको साफ समझ आ जाएगा कि पीआर ही कर रही थी, क्योंकि नाम बता रही थी ब्रांड का, एक एक मतलब खोल खोल के दिखा रही थी। इसका डिजाइन देखो, इसका कपड़ा देखो, ये देखो कितना मतलब इतना बड़ा दिखता है, इसका जो खोल आया तकिए का खोल आया वो इतना बड़ा है, इतना चौड़ाई है, ये कपड़े का ये है। तो कोई भी समझदार इंसान को समझ में आ जाएगा कि ये पीआर का ही है। अच्छा, इंकुड़े तो पिंकुड़े की ये खासियत रही है कि पिछले 5 सालों से बहुत सारे सामान ये दिखाते रहते हैं, मैंने मंगाया, मैंने लिया, ये पीआर का नहीं है। शुरू में बोलते हैं कि पीआर का नहीं है, और आगे जाके 3 साल बाद बोलते हैं कि वो वाला पीआर का मिला था। चलो, मैं तो मानती हूँ कि शुरू से लेकर आज तक कुछ पीआर का नहीं दिखाया है इसने, तो फिर जॉन से वाले पीआर के दिखाए थे वो वाले छाट छाट के अलग से दिखा दे एक बार कि ये वाला पीआर का था, बाकी कोई पीआर का नहीं है। इंकुड़े तो पिंकुड़े की खास पहचान है, यही उसकी पहचान है। जैसे ही वो बोले कि पीआर का नहीं है, आपने तुरंत समझ जाना है पीआर का है। अब बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं कि पीआर जब किए जाते हैं तो उनके तो लिंक दिए जाते हैं, कूपन कोड्स दिए जाते हैं, और ये तो कुछ भी नहीं देती है, तो ये पीआर का कैसे हो सकता है? तो देखिए, पीआर करवाने के, मॉडलिंग करवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और ये छुपाना, ये यूट्यूब से छुपाने का तरीका होता है। अब जहां पर आप लिंक दे रहे हैं, कोड दे रहे हैं, तो वहां पर आप छुपा नहीं सकते हैं, तो वहां पर आपको इंक्लूड पेड प्रमोशन करने का मतलब वो पकड़ लेगा यूट्यूब, अगर पकड़ने पे आया तो पकड़ सकता है। लेकिन अगर आप कोई कोड नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ये एक तरह की चालाकी बेईमानी होती है। कुछ भी नहीं दे रहे हैं, बस ये बोल रहे हैं कि पीआर का नहीं है, हमने वहां से खरीदा था, और ये बेईमानी की मॉडलिंग हुई। और अपनी इंकुड़े ने तो बेईमानी के खिलाफ स्वयं साक्षात मोटोमल किंग कोबरा से ली है। और देखिए, ये पीआर के माल को पकड़ कर हमारी इंकुड़ी बड़ी मेहनत से पोस्टर लगा के खड़ी हुई है, पोस्टर में खड़ी हुई है ना, घंटों से वो चादर कंबल पकड़कर खड़ी हुई है, और ज्यादा कुछ किया नहीं आज इंकुड़े तो पिंकुड़े ने, वही पुराना बहुत अपनी तारीफ करना। और साथ में हमारी लोमड़, जो स्पेशल हुआ वो ये हुआ था कि हमारी लोमड़ द गोमड़ ने इंकुड़े के भी लोग में अंग्रेजी में माँ की मतलब स्पीच दी, उसने बहुत कुछ बोला, उसने बोला आई एम सो सो हैप्पी, फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोली। इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द चीटर्स, लफंडर्स, हार्ट ब्रेकर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट होम ब्रेकर्स। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है तुर्रु तुर्रु, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है अजी चड्डा पहन के बिलोग बना है, बिलोग बना है अजी चड्डा पहन के बिलोग बना है, बिलोग बना है। आज के एपिसोड की बदौलत हम अपनी इंकुड़ी और अपनी लुमड़ को और अच्छे से गहराई से जान पाए, उनके करीब हम थोड़े से हमारा रिश्ता और गहरा हुआ, हमारे दिल के तार थोड़े और जुड़ पाए, क्योंकि एपिसोड में इतनी खूबसूरत जानकारी दी गई थी दोनों के बारे में कि उन दोनों का सपना था, बचपन से सपना था कि वो बड़ी होकर चड्डे पहनेंगी, जीन वाले चड्डे पहनेंगी। बेसिकली निक्कर तो बचपन में बहुत पहनती थी, लेकिन जीन वाला चड्डा पहनने का सपना फाइनली हमारी लुमड़ ने मॉल के ट्रायल रूम के अंदर पूरा कर ही लिया छुप छुपा के। हालांकि हमारी इंकुड़ी भी पीछे से बोल उठे कि ये जीन वाले चड्डे पहनने का सपना तो हमारी इंकुड़ी का भी था, तो हमारी लुमड़ ने कहा तू भी पूरा कर लेती। इंकुड़ी ने हमको यह बताया, यह ज्ञात करवाया कि इंकुड़ी का सपना तो था जीन वाले चड्डे पहनने का, लेकिन मोड़ो मल का सपना नहीं था अपनी इंकुड़ी को जीन वाले चड्डों में देखने का। तो उसने साफ मना कर दिया, उसने स्ट्रिक्टली बोला है कि देख, अगर तूने अपने बचपन का सपना पूरा कर लिया तो फिर अभी तो मैंने तुझे खाली स्पेस दी है, आगे जाके मैं तुझे डिसओन कर दूंगा। फिर हमारी इंकुड़ी ने बोला मन मन में, वो अपने मन में बोली, देखिए मैं तो बोला है उसके और मेरे मन का तार जुड़ा हुआ है, तो इंकुड़ी ने मन में बोला कि मैं लोमड़ थोड़े ना हूँ कि पति छोड़ के भाग जाऊं फ्रीडम के चक्कर में, चड्डे पहनने के चक्कर में, मैं ऐसे ही चला लूंगी, चड्डे ही से पहना देते हैं। वैसे मैं इनकी इंडिपेंडेंस, अपनी इंकुड़ी की इंडिपेंडेंस से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि हमारी इंकुड़ी बहुत इंडिपेंडेंट है, जब मन करता है गाड़ी उठाकर घर वालों को सोता हुआ छोड़कर पहाड़ विच भाग जाती है, सब कुछ कर सकती है हमारी इंकुड़ी, लेकिन अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती बिचारी। उसका मन करता है वो वन पीस पहने, मतलब ड्रेस पहने, मुड़ूमल मना कर देता है। उसका मन करता है वो भी बढ़िया सी चटकदार साड़ी पहने, मुड़ूमल उसमें भी मना कर देता है। हमारी इंकुड़ी का मन करता है कि वो ड्रेस मटेरियल ले लेके दीपिका पादुकोण वाले कपड़े सुट्टा बनवा ले, मोड़ूमल उसमें भी मना कर देता है। तो मोड़ूमल चाहता क्या है,
मूड मन ने इतना कंट्रोल करके क्यों रखा है? हमारी इंकुड़ी ये अपने मन के कपड़े पहनने वाली इंडिपेंडेंस कब ले पाएगी? उधर एजेंट नन्नू ने अपनी लोमड़ को चड्ढे में देखकर बोला, सब बढ़िया है, मैं खुश हूँ, मेरे आंसुओं पे मत जाना, मैं तो हूँ दीवाना दीवाना दीवाना। लोमड़ ने पूछा, मैं कैसी लग रही थी? तो देख लोमड़ ऑनेस्टली बता रहे हैं कि पता ही नहीं चला शरारे वाली जीन पहनी हुई है कि चड्ढा पहना हुआ है, कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि दिखाया ही नहीं ठीक से पूरा घूम घूम कर। अब देखो ये सुट्टा पाती है तो कैसे चील बनाती है केसरिया बालम बनकर, या फिर ये जीन पाती है तो कैसे घूम घूम कर दिखाती है, बैक साइड दिखाती है, फ्रंट साइड दिखाती है, सर नीचे करके दिखाती है, पैर ऊपर करके दिखाती है, सब कुछ करके दिखाती है, लेकिन इसमें नहीं दिखाया तो पता ही नहीं चला, अंतर कुछ पता नहीं चला। और क्या फायदा है ऐसे सपने पूरे करने का? मैं तो कहती चोरी छुपे, चोरी छुपे सब कौन से सपने पूरे किए जाते हैं? अरे जब डीजे मेरे को भी पसंद आ गई थी तो एक ले ही लेती, पीआर में मिलता ही है, कह देती ये मैं इस बार ये चड्डों का ऐड करूंगी, ले लेती एक, मांग लेती, ऐसे गिफ्ट में भी दे देते, पहन लेती कैंपस में, पहन लेती, गांव में जाके नहीं पहन पाती तो क्या, वैसे गांव में तुम्हारी चर्चा भी हो जाती, गांव के पहले 40 साल की लड़की ने पहना जीन वाला चड्डा और दूसरी गांव की लड़की को इजाजत नहीं मिली पति से। बहुत सारे लोग मेरे राय विचार ओपिनियन जानना चाहते हैं इस बारे में, तो देखिए मैं लोमड़ के फुल सपोर्ट में हूँ। लोमड़ चड्डे पहने, स्विम सूट पहने या बिकनी पहने, इस मामले में मैं उसको सपोर्ट करने वाली हूँ। मुझे अगर किसी की चिंता है तो वो लोमड़ इंकुड़ी की नहीं है, मुझे चिंता है बत्ती बदतमीज की आने वाली ढिबरी की चिंता, क्योंकि आपको याद होगा डीजे मी ने बताया था कि उनकी जो ढिबरी आएगी वो सर पे पल्लू रखने वाली होनी चाहिए और हमेशा सुट्टा पाए, सुट्टा भी ऐसे कि पलाजो ना पहने, उसमें सलवार होनी चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि जैसे हमारी लोमर ने बताया कि डीजे मी एकदम अब कंफर्टेबल हो चुकी हैं चड्डों के आइडिया से, तो अब वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे कि अब जो डिबरी आएगी उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अब उसको सर पे पल्लू रखने की जरूरत नहीं है और सलवार वाले सुट्टा पाने की जरूरत नहीं है, बस दो जोड़े चड्डों में विदा करा के ले आएगी। क्योंकि डीजे में कहते हैं कि बहू बेटी समान होती है, तो जाहिर सी बात है कि उसको इंकुड़ी लोमड़ बत्ती बदतमीज और सबसे इम्पोर्टेंट मोड़ उमल किंग कोबरा की तरह रखा जाएगा। लेकिन बस मेरा को यही कंसर्न है कि अब ढिबरी का रास्ता खुल चुका है और ढिबरी मैचिंग मैचिंग, जैसे ये दोनों इंकुड़ी द पिंकुड़ी और ये लोमड़ मैचिंग मैचिंग पहन के घुमा करती है, तो ढिबरी भी मैचिंग मैचिंग पहन के घुमा करेगी इनके साथ चड्डे और स्विम सूट्स। वैसे जुटूब की दुनिया में मैंने बिलोगर्स और बिलोगर्नियों के अतरंगी सतरंगी सपने देखे हैं। हमारे आवचे आहा ने 1 साल पहले सपना बताया था कि उनका सपना था कि वो ब्लैक कलर का पेटीकोट पहने। क्रिया ठेक का तो ऐसा है कि सपने हर दूसरे दिन पूरे होते, लिखती है ओ माई गॉड मैंने सपने में नहीं सोचा था कि आज टाइम पर पोटी हो जाएगी। और ये हमारे लोमड़ ब्रदर लोमड़ सिस्टर्स मतलब समझ जाइए, इन लोगों का सपना था कि चड्डे पहनेंगे बड़े होकर। ये सपने वैसे आम आदमियों के सपने कैसे होते हैं? कोई कहता है कि उसका सपना है वो डॉक्टर बने, किसी का सपना होता है वो इंजीनियर बने, किसी का सपना होता है वो टीचर बने, किसी का सपना होता है गरीबों के लिए वो अस्पताल खोले, किसी का सपना होता है कि वो कोई अच्छी जगह जॉब करने लग जाए, किसी का सपना होता है बहुत अच्छी डिग्री ले ले, तो तरह तरह के लोगों के सपने होते हैं। ये चड्डे बनियान वाले सपने मैं तो पहली बार यूट्यूब पर ही सुन रही हूँ। और इससे यह भी पता चलता है दोस्तों कि इस तरह के सपने उन्हीं लोगों को आएंगे जिनको नाड़े वाली कक्षा में मुश्किल से मिलती होगी, और शुक्र है पीआर वालों का, पीआर कंपनीज का, जिन्होंने इनके सपने पूरे करने में इनकी मदद की, वरना इनके सपने आज तक पूरे नहीं हो पाते। और इससे यह भी पता चलता है कि ये लोग जो मतलब दुनिया भर को ज्ञान देते हैं, बताते हैं, अपनी चिल्ड्रंस को लल्लू बनाते रहते हैं कि हमारे हम बहुत आगे हम बढ़ चुके हैं, हमने ये करा, हमने वो करा, ऐसा करा, लेकिन इससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा इन लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, इतने रिस्ट्रिक्शंस कि सपने वो ज़्यादा बड़े देख ही नहीं पाए कि पढ़ेंगे लिखेंगे या कुछ अच्छा करेंगे, इस तरह के सपनों तक वो पहुंच ही नहीं पाए, वो कच्चे बनियानों के सपनों में ही लटक के रह गए। और हमारी लोमड़ ने फिर से एक बार, मैं हजारवीं बार ये क्लियर करा कि उसका शौक है डब्बे भरने का, वो सपने देखती है, उसका मतलब उसकी इच्छा होती है, उसको क्रेविंग होती है कि वो डब्बे भरे। अब इतना सुनना था कि डीजे गंज के गांव वाले, खाली डीजे में नहीं पूरे गांव वाले इंतजार कर रहे हैं पल के बिछाए कि लोमड़ आ जाए और उनके घरों में घुस घुस कर फिर से बंडे चमकाए और डब्बे भर दे, क्योंकि देखिए महीने का अंत चल रहा है, सबके डब्बे खाली पड़े हैं, सब इंतजार कर रहे हैं कि लोमड़ आएगी, उसको क्रेविंग होगी और कौन जाने किस लकी इंसान का डब्बा भर जाएगी वो। फिर नहीं पता मुझे कि लोमड़ ने कौन से वाले सच्चे आशिक ट्रू सब्सक्राइबर्स का जिक्र किया कि वो जो है वो समझते हैं
कि लोमड़ को क्रेविंग्स उठती हैं कि वो डब्बे भरे और बंडे चमकाए, इसलिए वो किसी को कोई सफाई नहीं देगी, इसलिए उसको किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह बताने के लिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोमड़ ने 11 मिनट के एपिसोड में से 2 मिनट निकाल लिए। और उधर हमारी इंगूड़ी ने भी पीछे नहीं हटे, हमारी इंगूड़ी ने भी लोमड़ को चड्डा पहनाकर सफाइयां पेश कर दी कि यह उनके गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और गांव वाले बहुत खुश होंगे, गांव वाले भी बोल उठेंगे यह है एक गांव की लड़की जिसने बाहर जाकर चड्डे पहने। जी हाँ, वही वाला गांव जहां से निकल के हमारी इंगुड़ी द पिंगुड़ी 13 साल की कच्ची कली कचनार खित्ता में घूम घूम के मोड़ू मलकिन कोबरा को किस्मी बार और डेरी मिल्क दिया करती थी। वही वाली गांव की लड़की, वही वाला गांव जिसकी लड़की अपनी मी की इजाजत के बगैर अपने ससुराल में जाकर पड़ गई थी। और चूंकि इंकुड़ी द पिंकुड़ी खित्ता में डेरी मिल्क दे रही थी, तो पीछे से हमारी बेबी लोमड़ भी कुलाचे मारती हुई खेतों में दौड़ लगाया करती थी, छलनियां चटकाते हुए। और वही गांव जहाँ का बत्ती बदतमीज चोर एक बार बिलोग में दिखाई दिया था ढिबरी घुमाता हुआ, वही वाला गांव जहाँ से हमारी डीजे मी ने इंकुड़ी द पिंकुड़ी को किताबें पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन हमारी इंकुड़ी द पिंकुड़ी ने ढाई आखर प्रेम के पढ़ लिए। देखिए, गांव की बेटियों के बारे में तो हमने बहुत सारे किस्से सुन लिए और देख भी लिया है, लेकिन वो वाले गांव की माँ के बारे में कोई बात नहीं करता। वो वाले गांव की माँ के बारे में सोचे, उस पर क्या बीती होगी जब वो गांव की बेटी शादी से पहले बिना इजाजत मी के ससुराल में जाके शिफ्ट हो गई थी। वही गांव की सास ये बात एपिसोड में आके बता रही थी। मैं तो सोचती हूँ इनकुड़ी कब ऐसे टाइटल डालेगी, जब एक गांव की लड़की किताबें छोड़ के डेरी मिल्क बांटने लगी, कब ये सब टाइटल आएंगे, ये तो ट्रेंडिंग पे जाएंगे, इसके तो वायरल हो जाएंगे। इंकुड़ी ने अपने कारनामों को जस्टिफाई करते हुए यह भी बोला कि देखिए, ऐसा होता है कि जब गांव वाले कुछ करने के लिए मना कर दें तो वो काम करने का बहुत मन करता है और एक आध बार इंसान कर भी लेता है। चलिए, समझ लिया हमने कि इसी चक्कर में इंकुड़ी द पिंकुड़ी ने कच्ची कचनार की उम्र में मोड़ूमल पकड़ लिया था, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हर काम सही उम्र में करना चाहिए। चलिए, मान लिया कि इसलिए ही बत्ती चोर ने सरकारी तार चुरा के भागा था और ढिबरी घुमा रहा था, क्योंकि गांव वाले बोलते हैं कि चोरी बुरी बला है, इसलिए इन्होंने गैसा कांड किया होगा, क्योंकि गांव वाले तो बोलेंगे ही कि भाई इन चीजों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और नौटंकी कभी नहीं करनी चाहिए। अब ये गांव वालों के चक्कर में मैं ये सोचने बैठ गई कि इनके गांव में पान बीड़ी सिगरेट बियर उस पर रोक लगी हुई है, उसको रोकते हैं या फिर छूट दे रखी है, क्योंकि हमारी इंकुड़ी तो पिंकुड़ी वहां पर जाके जब घूमने गई थी बड़े शहर, तो वहां पर जाके लोमड़ से पूछ रही थी बियर पिएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा गांव वालों की बदौलत। फिर मालकिन भी पीआर करे और हाउस हेल्प पीछे रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमारी लोमड़ ने भी सुट्टा का पीआर करा। उधर एजेंट नन्नू ने भी अपना पासा फेंका। एजेंट नन्नू बत्ती चोर के दोस्तों के साथ नाव में चप्पू चलाता हुआ नजर आया। जी हाँ, ये वही वाले दोस्त हैं जिनके साथ बत्ती चोर इतराता हुआ घुमा करता था। लगता है एजेंट नन्नू ने गांव वालों को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया ताकि जरूरत पड़ने पर गांव वाले एजेंट नन्नू की तरफदारी कर सके। एजेंट नन्नू और लोमड़ अपने बारे में कुछ भी सोचते हो, लेकिन मैं एक चीज अक्सर सोचती हूँ, वो भी क्या सुनहरे दिन थे, याद ही होंगे आपको कि हमारी लोमड़ अक्सर कहा करती थी है ना नन्नू जी, और उधर से एजेंट नन्नू बोलता था आहो जी। वो दिन थे और आज के दिन है। आज हमारी लोमड़ कहती है आई एम सो 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 हैप्पी बिकॉज ऑफ माई ट्रू लव, आई मीन टू से माई ट्रू सब्सक्राइबर्स, और एजेंट नन्नू बोलता है सब बढ़िया है। चलिए, लोमड़ तो अपने ट्रू लव लव ट्रू सब्सक्राइबर्स की वजह से हैप्पी रहती है, सो सो हैप्पी हो गई, लेकिन एजेंट नन्नू किसकी वजह से सब बढ़िया कहता है ये समझ में नहीं आता है। उसकी मी उठ के सुबह उठ के सारे काम निपटा देती है और वो आराम से उठ के खाना खा लेता है, या फिर जंगली लोमड़ भाग गई है इसलिए सब कुछ बढ़िया है, कभी खुल के बताएगा तो समझ में आ जाएगा। और चलते चलते अंत में मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कुछ बोला, कुछ कहा। देखिए, इंकुड़ी द पिंकुड़ी के एपिसोड में इंकुड़ी ने चाह दी लोमड़ को, जिसको लोमड़ ने ऐसे चल हट दूर, मतलब कुछ ये शायद कुछ सीन रिक्रिएट कर रहे थे अपनी लाइफ के किसी पार्ट का। तो मेरे सब्सक्राइबर्स को डाउट हुआ कि शायद ये नन्नू की मी की एक्टिंग करके दिखा रहे हैं, कि नन्नू की मी ने शायद लोमड़ के साथ ऐसा व्यवहार किया होगा जिसमें लोमड़ ने चाह दी होगी, पतली पतली चाह बनाकर उनको खाली, तो उन्होंने बोला होगा कि ऐसे परोसते हैं चाह, इसके साथ मतलब कुछ दिया नहीं, इस तरह की बात हुई होगी, वो पता नहीं, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स को डाउट है। लेकिन मुझे अपने डाउट्स हैं, क्योंकि देखिए जहां तक मैंने इनको देखा है, मैंने बहुत लंबे टाइम से देखा है, और मैंने ये देखा है कि अपनी लोमड़ के साथ डीजे मी से ज्यादा रूड और कोई हुआ नहीं है।
छोटे छोटे दो तीन एग्जांपल्स आपको फिर से याद दिला देती हूँ। देखिए, डीजे मी ने लोमड़ को अपनी फैमिली में गिनना धरना कब से दो चार बार भूल गई थी, गिनती धरती नहीं है। सेकेंड लास्ट जन्मदिन अपनी लोमड़ का, उसमें हमने खुद देखा था कि लोमड़ उनके मतलब कदमों में गिरी जा रही थी कि आ जाओ केक कटवा दो, केक का कटवा दो। बेचारी केक का लेने भी खुद गई थी पड़ोसियों के संग, फिर काटा भी अकेले बैठ के था। बड़ी मुश्किल से डीजे में उठ के आई थी, बहुत मुश्किल से, बत्ती बदतमीज के कहने पर, इसके कहने से तो आई नहीं थी। और जो लास्ट लास्ट जन्मदिन गया है अभी डीजे गंज में ही उसका, तो उसमें तो डीजे मी उसको विश करना ही भूल गई थी, पता ही नहीं था। वो कह रही थी विश कर दो, वो तब भी बोल रही थी मैं तो कर चुकी, तुझे पता ही नहीं चला, तो सो रही थी। तो मुझे लगता है कि ये जो सीन हुआ होगा ये डीजे मी ने ही लोमड़ के साथ किया गया होगा। क्योंकि आप देखें ना कि नन्नू की मी ने कब करा होगा, इसने खुद ही बोला है कि इसकी बीमारी काल एकदम स्मूथ गया, तो स्मूथ गया तो तब तो कुछ करवाया ही नहीं था इससे, और इसकी बीमारी काल बहुत जल्दी आ गई थी, तो करने का ये सब करने का टाइम कब मिला होगा उन लोगों को। चुपड़ी चुपड़ी चाची, चुपड़ी चुपड़ी चाची, देखिए चाची चुपड़ी चुपड़ी है क्योंकि तेल की कढ़ाई में अक्सर तैरती हुई पाई जाती है। हमारी चंदा चाची 420 आज चिड़चिड़ी होके चाय चाय कर रही थी। चाय चाय करते हुए हमारी चंदा चाची के दो चार दांत भी चीज आई मीन टू से घिस गए। चंदा चाची की चाय चाय चिड़चिड़ाने की वजह मुझे कुछ भी समझ में आई नहीं, कोई रीजन समझ में ही नहीं आया, बिना रीजन के चिड़चिड़ी हुई पड़ी थी। हुआ ये कि इन्होंने बहुत शुरू से अपने जुड़वा बच्चों को एज कंटेंटू इस्तेमाल किया है, यूज किया है, डेली दिखाती थी, बीमार पड़े तो दिखाया, टाइटल बनाए रो रो के, कभी हंस हंस के, हर तरह से मतलब उसके बारे में इन्होंने दिखाया, यूट्यूब पे दिखाया। फिर अचानक से इन्होंने पहले एक को गायब करा, फिर इस साल इन्होंने दूसरे को भी गायब कर दिया, तो लोगों के अपने कंसर्न्स जाग गए। अब देखिए, जब इनके असली कंटेंटू से लोग प्यार करते हैं, अब ये मान लीजिए कि रोज दिखाती हैं उसको असली कंटेंटू को, फिर ये दिखाना बंद कर दें, तो जाहिर सी बात है लोग पूछेंगे कि कहाँ है, कैसा है, दिखा दो, क्यों नहीं दिखाती हो, इस तरह के सवाल आएंगे। ऐसे ही उसके इनके फर्स्ट बेबीज को लेके सवाल उठने लगे कि कहाँ चले गए, पहले भी उठते थे फिर बाद में भी उठते रहे और अब तो बहुत ही ज्यादा उठने लगे। तो चंदा चाची ने लोगों की ये जिज्ञासा शांत करने की जगह, दिखाने की जगह उनको, चंदा चाची इस सस्पेंस को बढ़ाती रही। जानबूझ के चंदा चाची ऐसे कमेंट्स को हटाती रही जिसमें लोग बोलते थे कहाँ है आप दिखाते नहीं हो, मतलब नॉर्मल कमेंट्स को भी डिलीट करती रही। लोगों के मन में और जिज्ञासा बनती गई और लोग सोचने लगे कि चंदा चाची तिलस्मी ताकतों के चलते हुए कुछ तो करके बैठ गई है। अब इसका सिंपल सा सॉल्यूशन था, चंदा चाची है रूटीन ब्लॉगर। अब चंदा चाची इतना दिखाती है अपने बारे में, इतना दिखाती है कि चंदा चाची के अंडाणु कब निकलते हैं, वो शंकराणु से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, चंदा चाची अपने असली कंटेंटों को नहलाती भी है तो कैमरा लगा के सोफे के सामने बाथटब लगा के नहलाती है, चाहे बाद में उसमें ब्लॉक लगाना पड़ जाए लेकिन दिखाती जरूर है, डायपर भी बदलती है तो चाहे ब्लॉक लगाना पड़ जाए कैमरा बंद नहीं करती है, कैमरे के सामने करती है। तो जो चंदा चाची इतनी चीजें दिखाती है, अब उन चंदा चाची से अगर उन कोई बोल दे कि फर्स्ट बेबीज दिखा दो चंदा चाची, तो चंदा चाची का क्या जाता है, डेली अपना असली कंटेंट वो दिखाती हैं, ये ब्लॉक लगा लगा कर, नहला कर, डायपर बदल कर, सब कुछ करते हुए दिखाती हैं, तो क्यों नहीं चंदा चाची अपनी ब्लॉग में से 5 से 10 सेकंड, मैं तो 30 सेकंड भी नहीं बोलूंगी, सिर्फ 5 से 10 सेकंड, 5 सेकंड जब सुबह रोटी डालने जाते हैं और 5 सेकंड जब शाम को रोटी डालने जाते हैं, तब क्यों नहीं एक छोटा सा पार्ट दिखा सकती हैं। इनको इतना नेगेटिव, ये चंदा चाची दूसरों को बोलते हैं कि नेगेटिव लोग हैं, बहुत टॉक्सिक लोग हैं और कहानियां पकाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मतलब चंदा चाची बोल रहे हैं कि सब लोग बहुत नेगेटिव लोग हैं और वो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन हमने आज चंदा चाची ने ये ठप्पा लगा दिया जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चंदा चाची खुद बहुत नेगेटिव है। हम 5 साल से उनको चंदा चाची को देख रहे हैं कि अक्सर वो बैड न्यूज और इमरजेंसी जोन में पड़ी हुई रहती है, हमेशा पड़ी रहती है। आज उन्होंने ठप्पा लगा दिया इस चीज को, लोगों की चाहत को, लोगों की केयर को, लोगों के दुलार को, फर्स्ट बेबीज के लिए दुलार प्यार को इन्होंने बहुत ही गलत तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न करके पेश किया, सिर्फ इसलिए कि इनको दिखाने नहीं है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं दिखाने, जब असली कंटेंट दिखा सकते तो फर्स्ट बेबीज दिखाने में तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। अब इस बात का कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड था ही नहीं जितना कॉम्प्लिकेटेड चंदा चाची ने इसको प्रेजेंट किया।
कितनी देर लगती है, आप इतना कुछ कैमरा सेट करके ये दिखाओ वो दिखाओ करते हो। एक बार मैं कहती हूँ कमरे में बंधे हुए दिखा दो, कमरे में बांध के रखते हैं ये, उस पर अलग से चर्चा करेंगे, इनकी क्रुएल्टी जो है उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन कमरे में बांध के रखते हैं कितनी देर लगती है, दरवाजा खोलो वो तो बंद ही रहते हैं अंदर, क्योंकि चाचा जी ने क्लियर करा है कि ये कमरे के अंदर भी दूर दूर बांध के रखे जाते हैं, मतलब दूर दूर रखे जाते हैं तो जाहिर सी बात है बांध के ही रखते होंगे, वो साथ में रह ही नहीं सकते हैं ऐसा इन्होंने बोला है, बचपन से साथ में पले बड़े हैं लेकिन साथ में रह नहीं सकते, उनको दूर दूर बांधना पड़ता है। तो जब वो बंधे रहते हैं तो दरवाजा खोलो, कैमरा निकाल के दिखा दो कि देखो वो बैठे हुए, दरवाजा बंद करो आके बैठ जाओ कमरे में, कितनी देर लगेगी इसमें। लेकिन चंदा चाची बोल रही है मैं नहीं कर सकती, मैं कंटेंट को छोड़ के नहीं जा सकती ना, जैसे कंटेंट को कभी सोता नहीं है। वैसे चंदा चाची कंटेंट को छोड़ के पीआर के लंबे लंबे वीडियो शूट कर सकती है। तो चंदा चाची क्या ये कहना चाहती है कि जब तक माँ या चाचा ऑफिस से वापस, इनके ऑफिस से वापस नहीं आते हैं, तब तक चंदा चाची न सुसु करने जाती है, न पोटी करने जाती है, न नहाने जाती है, न धुआने जाती है, कुछ नहीं करती है, बस कंटेंट पकड़ के बैठी रहती है कमरे में और कुछ नहीं करती है। ऐसा पॉसिबल कैसे है? अरे सुसु रोक के 2 मिनट में वो दिखा दो, कितनी देर लगती है सुसु रोकना, मतलब 2 मिनट सुसु रोकने से भी कुछ नहीं होता है। चंदा चाची दौड़ दौड़ कर पूरे फुल वॉल्यूम में हाफते हुए, अच्छा बहुत सारे लोगों को कंसर्न है कि चंदा चाची ना इस बार आंख नहीं मिचमिचाए और डकारे नहीं ली। देखिए इसी चक्कर में चंदा चाची हाफ गई थी, क्योंकि गैस कहीं से तो निकलनी चाहिए, नीचे से निकाल नहीं सकती थी शूटिंग के बीच में और ऊपर से निकल नहीं रही थी, तो वो बेचारी हाफ गई। हाँ तो चंदा चाची ने एक, अब तो ये बात थोड़ी देर साइड में रख देते हैं कि वो जो बच्चे दिखाए गए हैं जुड़वा बच्चे, वो वही वाले हैं जुड़वा बच्चे ओरिजिनल वाले कि कोई और है, इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उनके जो कंडीशंस में रखा गया है बच्चों को, जो ये बोल रहा कि रखे हैं इनके साथ में ही रहते हैं, जो रखे हैं उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। चंदा चाची ने साफ शब्दों में बोला कि वो सुपर बिजी हैं और जो इनका जो ख्याल रखते हैं वो माँ या चचा रखते हैं। ख्याल भी क्या रखते हैं, सुबह रोटी डाल देते हैं, सुसु पोटी करा देते हैं, शाम को आते हैं रोटी डाल देते हैं, सुसु पोटी करा देते हैं, दिन में सिर्फ 2 बार बोली है अपने मुंह से कि माँ झा टॉडलर चचा उनको देते हैं रोटी देते हैं उनका ख्याल रखते हैं, ख्याल रखते हैं मतलब सुसु पोटी करा के बांध देते हैं, सिर्फ दिन में 2 बार। अब चंदा चाची को लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, ऐसा उनको लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है, मैं भी सोचती हूँ लगने दो, जो लगता है लगने दो, अच्छा रहता है, सामने वाले को आपके बारे में गलत फहमी हो ये बहुत अच्छी बात रहती है। लेकिन जो आप लोग हैं, आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पेट्स हैं, आप लोग मुझे बताइएगा कि ऐसा हो सकता है कि ये जो जुड़वा बच्चे हैं ये बंद रहे कमरे में, इनको एक अलग से कमरा दिया है, बहुत बड़ा कमरा दिया है जिसमें किचन भी है, बाथरूम भी है और बहुत कूलर भी है, सब बढ़िया अयाशी वाला कमरा दे रखा है, अलग अलग बांध के रखते हैं उसमें। आप मुझे बताइए कि ये वाले जो बच्चे रहते हैं ये पूरे दिन कमरे में बंद रह सकते हैं? पूरे दिन नहीं, 24 घंटे मान के चलिए, सिर्फ 2 बार जब उनको रोटी दी जाती है और उनको फ्रेश कराने बाहर ले जाते होंगे तब उनका बाहर निकलने का वो बनता होगा, बाकी चंदा चाची झांकने भी नहीं जाती है, उनको सुसु आई हो सकता है बीच में आ जाए, सुसु आ जाए, पोटी आ जाए, कौन जाने कौन से उनकी मनोस्थिति हो, भाई जीवित जीव जंतु हैं वो तो कुछ भी हो सकता है कभी भी, लेकिन चंदा चाची झांकने नहीं जाती वहां पे। अब इसको कोई क्रुएल्टी नहीं बोलेगा, क्रूरता नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? मैं तो कहती हूँ जिसने, मुझे नहीं पता इनको कौन धमकी वमकी दे रहा है, वो तो खैर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि कोई धमकी दे रहा है कि इस बारे में जांच करवाई जानी चाहिए, तो मैं तो कहती हूँ कि उसने फिर सही ही बोला होगा, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया था कि किसको बोल रहे, तो मैंने कहा कंप्लेंट कर दो जी जी भाई कोई धमका है, मुझे पता नहीं तो कौन सी धमकी की बात कर रही है। लेकिन फिर अगर इस तरह की जांच पड़ताल की बात कह रही थी वो जो भी जिसने भी दी होगी धमकी, तो वो तो फिर ठीक कह रही थी कि पूरे पूरे दिन बंद रखते हो, वहां पे एसी भी नहीं है, पहले एसी में बिस्तर पे सुलाया करती थी और अब सीधा उतार कर कूलर के अंदर बंद कर दिया, बोल रहा है कूलर है, कमरा अभी भी नहीं दिखाया, कौन से कमरे में नहीं दिखाया। चंदा चाची ने यह जरूर बताया कि आज दिखाने के चक्कर में उन्होंने एक बच्चे की नींद तोड़वाई और एक बच्चे का आधा खाना छुड़वाया सिर्फ दिखाने के लिए कैमरे के सामने, ये भी एक तरह की क्रुएल्टी है। क्या जरूरत थी, उस कमरे में क्यों नहीं जाके दिखा दिया, हम भी तो देखे ऐसा कौन सा कमरा है तिलस्मी कमरा जो दिखा नहीं सकते, हमको तो बहुत जिज्ञासा बढ़ गई है, खत्म होने की जगह जिज्ञासा बढ़ गई है कि ऐसा कौन सा मिस्ट्री कमरा है जो 5 सालों में नजर नहीं आया कभी भी, मतलब हमें, मुझे तो याद नहीं पड़ता कभी नजर आया हो, आप लोगों को नजर आया तो जरूर बताना। इतना तो हम भरोसा करते हैं कि कमरा शायद होगा ही इनके पास, बस दिखाते नहीं है क्योंकि उसमें वो बंधे रहते हैं,
अब जाने क्यों नहीं दिखाता, समझ में नहीं आता। आज चंदा चाची ने दिखाए और दिखाने के बाद चंदा चाची खुद ही बोले कि छोटा वाला बड़ा दिखता है, बड़ा वाला छोटा दिखने लगा है। एक्चुअली ये वाली बात उन्होंने सबसे वैसे चचा बोले ये वाली बात 3-4 दिन पहले चंदा चाची ने भी बोली थी कि बड़ा वाला छोटा दिखने लगा है, छोटा वाला बड़ा दिखने लगा है। लेकिन जब चचा ने ये वाली बात रिपीट की तो चंदा चाची भिनभिना गई, चिड़चिड़ा गई, बोलते हैं कि ऐसा भी कुछ नहीं है, सिर्फ बालों की वजह से, बाल लंबे हो गए तो छोटा वाला बड़ा दिखने लगा है, उस वाले की ग्रूमिंग कराती है, उस वाले की ग्रूमिंग नहीं कराई। अब चचा को रात भर रटना पड़ेगा कि अगली बार क्या बोलना है, बाल बड़े हो गए हैं कि चंदा चाची का दिमाग छोटा हो गया है। मुझे इनकी बातें समझ नहीं आती, मैं रिलेट नहीं कर पाती। मैं हूँ आम महिला, मैं बिलोगर नहीं तो हूँ नहीं बड़ी वाली, एकदम बेताल ग्रुप की तो नहीं हूँ, तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप एक ग्रूमर बुलाते हो, इसी काम के लिए बुलाते हो, और वो सिर्फ एक बच्चे को मुड़ के चला जाता है, दूसरे को देखता भी नहीं है, फिर उसको छोड़ रखा है, अगले दिन भी नहीं आया, एक हफ्ता निकल गया, पता नहीं कब करवाएंगे, एक को गर्मी लग रही है, एक बच्चे को गर्मी नहीं लग रही है, कैसे ऐसा हो सकता है, जुड़वा बच्चे हैं वो। और फिर ये भी दिमाग में आया कि ये बता रही थी कि इनके ससुर जी को उनके जुड़वा बच्चों के बालों से बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी होती है, और ये नीचे ले जाके बाल मुड़वा लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब इनको इतनी टेंशन रहती है कि चंदा चाची 4 बजे उठ के उनके बाल निकाल रही थी सीढ़ियों पे से, तो ऐसी कंडीशन में हमारी चंदा चाची ने दोनों के बाल एक साथ क्यों नहीं मुड़वाए थे? बोल रही मैं ऐसे करवा देती तो बात खत्म हो जाती, तो क्यों नहीं करवाए थे? मतलब कितनी बार बुलाती हूँ, इतना तो वो छुनछुन के नाना नानी भी टेंशन नहीं लेते हैं, मतलब एक ही बार में वो बुलवाते हैं, एक ही बार में सब करवा देते हैं, इतना चक्कर तो वो भी नहीं लगवाती है। फिर हमको नहीं पता चंदा चाची ने स्विमिंग पूल में छलांग मारी, बाथटब में नहाई, उसके बाद क्या वहाँ पे होटला बिच खाया, क्या पिया, कुछ नहीं पता, बेसिर पैर की बातें चीख रही थी, बोल रही थी कि लोग बोल रहे हैं कि जुड़वा बच्चों को धूप में बांध के दिखाओ, अगर मैं धूप में बांध लूंगी तो लोग बोलेंगे लो धूप में बांध दिया। मुझे नहीं पता कौन से लोगों ने उनसे ये बात बोली है, कहाँ से इनके दिमाग में घुस आया कि लोग बोल रहे हैं कि गर्मी में धूप में बांध के दिखाओ। अरे लोग ये बोल रहे हैं कि अपने साथ एसी में सुलाओ उनको, पहले बिस्तर पे सुलाती थी, कम से कम कमरे के कोने में तो सुलाओ कहीं पे लटा के। फिर चंदा चाची कंटेंडो को सर पे बिल फाड़ दिया कि कंडीशन है ऐसा है वैसा है, इसलिए हम साथ में नहीं रख सकते हैं। तो हमें तो यह बताया चंदा चाची, चंदा चाची के लॉजिक के हिसाब से अपना कंटेंडो आ जाए तो जो पहले वाले फर्स्ट बेबीज होते हैं अब वो साथ में रह नहीं सकते, उनको एक कमरे में पैक करके बंद कर दो। अब वैसे चंदा चाची बोलते हैं उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास हिम्मत नहीं है, वो कर नहीं सकती हैं, वो सब कुछ नहीं मैनेज कर सकती है, चलिए मानते हैं नहीं कर सकती है, तो फिर ये चंदा चाची वो सुसु किट पकड़ के क्यों खड़ी रहती है, तीसरा चौथे की बातें कैसे करती है, जब मैनेज ही नहीं कर पा रही है, फर्स्ट बेबीज मैनेज नहीं कर पा रही है, सब कुछ मैनेज कर नहीं पा रही है, माँ ज्यादा टॉडलर जिज्जा, मैं तो ये सोच रही हूँ अभी बीमार पड़े थे, बिस्तर पे हिल नहीं पा रहे थे, तो बताओ वो 2 दिन के भूखे रहे होंगे, फर्स्ट बेबीज किसने दिया होगा? चंदा चाची के पास कितना अच्छा मौका था, चंदा चाची जो ये ऐसा मुटियाती हैं, बोलते हैं ना मुझसे बहुत मोटिवेट हो रहे हैं, मैंने अकेले किया सब कुछ, हालांकि सारी चीजों की हाउस हेल्प आ रही थी इनके पास, कुकिंग के लिए भी आ रही थी अलग से, लेकिन बोलते हैं मैंने सब कुछ अकेले किया है, तो इतना अच्छा मौका था इनके पास मोटिवेट करने का कि देखो माँ ज्यादा टॉडलर चचा बीमार पड़े हैं और मेरे सर पे फर्स्ट बेबीज हैं दो, कंटेंट हुए, देखो मैं कैसे सारा मैनेज कर रही हूँ, इसका कहते हैं मुटियाना, तब मोटिवेट करते हैं आप कि कैसे सब कुछ कैसे संभाल रही है एक साथ। लेकिन चंदा चाची ने इतना सुनहरा मौका भी जाने दिया, वैसे चंदा चाची कंटेंट को नहलाने का भी मौका नहीं जाने देती है। कुल मिला के ये हुआ कि चंदा चाची के ऊपर पहले शक था, अब यकीन हो गया है। पहली बात तो समझ में नहीं आ रहा कि किस बात पर यकीन करें किस बात पर नहीं करें, वैसे तो मैं किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रही हूँ, पहली बात तो फर्स्ट बेबीज इनके वही वाले हैं कि नहीं है, अब उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लेते। चंदा चाची ने उनको जो है इन लोगों ने पकड़ के दिखाया रस्सी से बांध कर, और इन लोगों के देखना रस्सी ऐसे हाथ से ऐसे बांध के, जैसे नॉर्मली आप नहीं पकड़ेंगे अपने फर्स्ट बेबीज, जो ओरिजिनल बेबीज होंगे आप ऐसे पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब वहां से छोड़ेंगे वो आएंगे आपको सूंघने लग जाएंगे, मतलब जानते हो ना बॉडी लैंग्वेज आप सब जानते होंगे, लेकिन इनको ऐसे खींच के घसीट के ऐसे पकड़ना पड़ रहा था रस्सी से, ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे। वैसे ये वही वाले हैं जो कमरे में बंद रहते हैं पूरे दिन और इनकी आवाज भी नहीं आती है, मतलब ये एक दूसरे से बात भी नहीं करते, चिल्लाते भी नहीं है, चाहे जो हो जाए, चाहे चचा बाहर से आए, ये लोग शॉपिंग करके अंदर घुसे, वो कभी भी उनकी आवाज नहीं आती है, वो आज एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे, आज उनके चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अब एक बार इनसे बोला गया था आवाज नहीं आती तो इन्होंने अगले दिन रिकॉर्डिंग सुनाई थी, आज जो आवाज आ रही थी वो बिना रिकॉर्डिंग की ओरिजिनल आवाज थी, देखा चंदा चाची हम पहचान लेते हैं। दूसरी चीज जैसे कि मैंने पहले भी नोटिस करके बताई थी कि जब भी ये पहली बात तो दिखाते ही जल्दी से नहीं है, लेकिन जैसे कि आज उनको दिखाना था और दिखाने के बल पे ये चीख रही थी, चीख चीख कर सोच रही थी कि अब
चलो हम चाटो के दिमाग में तो भर देंगे, लेकिन देखिए जिनके पास दिमाग है उनको तो भर नहीं सकती। तो मैंने बताया था कि नोटिस कीजिएगा, जब भी ये दिखाते हैं ये फर्स्ट बेबीज को, तो माँ जो चज्जा व्हाइट कलर की गंजी स्पेशल वाली निकाल के पहनते हैं, वही वाली गंजी पहनते हैं हमेशा, वो स्पेशल रखी है उन्होंने। और जब ये दिखाते हैं तो पहली बात तो कमरों में लाते ही नहीं, आज कमरों में लाए तो दरवाजे के पास से ही। नॉर्मली इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता है फर्स्ट बेबीज के संग, आप जानते होंगे, लेकिन अजीब तरीके से लाए, घसीटते हुए पे घसीटते हुए लेके चले गए, ऐसा कहाँ होता है। और ये जो कहना चाहती हैं कि इसकी कंटेंटों की कंडीशन है, मैं बिजी रहती हूँ, ऐसा मुझे, मेरे को सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है कुछ भी। हाँ चंदा चाची बोल रहे हैं कि मेरे को कोई, हाँ चंदा चाची ये भी बोले कि मैं क्यों घबराऊँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो गलत करें वो डरे। तो पीछे से चच्चा बोलते हैं कि जो गलत करते हैं उनके साथ भी कुछ गलत नहीं होता। बेसिकली माँ छा चच्चा जो है टॉन्ट कर रहे थे हमारे आउचिया इंकुड़ी तो पिंकुड़ी को बोल रहे थे। तो फिर इसके बाद चंदा चाची ने कट लगा दिया पटाख से, बहुत सारी चीजें काट दी, पता नहीं माँ चच्चा क्या क्या बोल गए थे उस बीच में। तो हम माँ या चाचा से पूछना चाहते हैं कि कौन से गलत कामों की बात कर रहे थे आप। एक साल से एक और चीज मैंने नोटिस करी है भाई, मैंने नोटिस करी है कि ये चाचा और चाची कभी भी उनको हाथ भी नहीं लगाते हैं, ऐसे सर पे भी हाथ नहीं लगाते हैं, जबकि आप रुक ही नहीं सकते हैं, वो आपके पास आते हैं तो आप हाथ लगाना पड़ता है, वो आपको जीभ लगाते ही लगाते हैं, ऐसा होता ही होता है। लेकिन एक साल से हम देख रहे हैं कि इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, वो ना पहले वो बिस्तर पे चढ़ के बैठ जाते थे, अब वो कमरे में भी नहीं बैठ पाते हैं, उनको इधर उधर घसीट के कर दिया जाता है। समझ में, मतलब सेटिस्फैक्टरी जवाब मिला ही नहीं ढंग से। चलिए मैं तो सेटिस्फाई हो जाऊंगी अगर डेली ये 5-5 सेकंड दिखा दें। चच्ची ने इसमें भी वो मार दिया बहाना, चच्ची बोलते हैं कि जब चच्चा ब्लॉगिंग शुरू करेंगे ना तब दिखाया करेंगे उनको। अब बताओ चच्चा तो पहले ही ब्लॉगर है, उनको मौका तो दो। अब ये देखिए चच्चा दर्द से तड़प रहे थे, दांत के दर्द से तड़प रहे थे, उनका प्रोसीजर चल रहा था, डॉक्टर का हाथ था चच्चा के मुंह के अंदर और चच्चा का हाथ था मोबाइल के रिकॉर्ड बटन पर, चच्चा तब भी रिकॉर्ड कर रहे थे। हमारी चाची अकेली चीरा करवाते हुए चीरे के इंतजार में बिस्तर पर पड़ी हुई थी अस्पताल में, और हमारे चच्चा चच्ची को छोड़कर गाड़ी के अंदर बैठ के ब्लॉगिंग कर रहे थे। और चच्चा का वेट भी क्यों करना है भाई, दिन में एक बार 24 घंटे में चच्ची बोल रही कि एक बार भी झांकने नहीं जाते उनको, वैसे फर्स्ट बेबी जब वैसे झांकने नहीं जाती, जब झांकने जाती है तो तभी एक दूर से बना लिया करे, अरे हम बंधे हुए देख लेंगे। अब ये कहते हैं कि क्या है इन लोगों को, इतना भी क्या है इन लोगों को, अरे लत तो आपने ही लगवाई है। अब इतने क्यूट, क्यूटनेस ओवरलोड चाहिए हमको, क्यूटनेस ओवरलोड, कंटेंटो भी हो, दो दो वो फर्स्ट बेबीज भी हो, एकदम ओवरलोड हो जाए क्यूटनेस से, हम सो क्यूट करें। अब जब चच्ची हमको हर चीज की डिटेल देती है, इसकी उसकी स्टील ब्लीडिंग की सब चीजों की डिटेल देती है, चीरा कब चीखा सब बताती रहती है, तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि डेली जैसे कंटेंटो देखते हैं वैसे वो फर वाले कंटेंट तो देख लें दोनों के दोनों डेली, तो आसानी हो जाएगी। इसका बहुत सिंपल था, इतना चिड़चिड़ाने की तो जरूरत ही नहीं थी। चिंदा चाची खूब चिड़चिड़ाई, उन्होंने लिखा कि हग्गल मिल रहा है उनको, और जो ये बोल रही है कि वो उनको हग्गल मिल रहा है, वो वाली चंदा चाची बैठकर पूरा पांच मिनट यह बताती है कि उनके कंटेंटों को पुपू हो गई, पुपू लीक कर गई, पुपू यहाँ फैल गई, पुपू वहां फैल गई। तो ये ऐसा करती है और बोलते हैं कि जो लोग स्टोरीज कुक करते हैं, लोगों की स्टोरीज कुक करने को बता रही है। हम कहें कि लोग स्टोरीज नहीं कुक कर रहे, अब आप खुद देख लो चंदा चाची, जो आप बताती हो बस उसी बारे में लोग चर्चा करते हैं, लोग स्टोरीज नहीं, लोग तो अचंभे कर रहे होते हैं आपकी तिलस्मी ताकतों पर, आप कल ये बोलते हैं कल ये बोलते हैं, तो लोग चर्चा कर रहे हैं ऐसे कैसे हो गया। मतलब आपसे टिप्स मांगते हैं कि जैसे चच्ची को पैर खुल नहीं रहा था, बिल्कुल दर्द में पड़ी हुई थी, चल नहीं पा रही थी, लेकिन अगले दिन जाके वो स्विमिंग पूल में छलांग मार दी, तो लोग टिप्स मांगते हैं चच्ची कैसे कैसे दर्द गया वो बताओ, वो नहीं बताती, काम की कोई चीज नहीं बताती। लोग छोड़ो चच्ची, लोग तो आपकी स्टोरीज में से निकाल के स्टोरीज में क्या स्टोरीज नहीं, स्टोरीज को सिर्फ डिस्कस करते हैं, आपको शर्म नहीं आती स्टोरीज बताते हुए, आप तो रियल ब्लॉगर सच्ची पक्की वाली है ना, तो आप काहे स्टोरीज कुक करती हैं। और इतनी स्टोरीज कुक करती हैं कि लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ पे सच था कहाँ पे झूठ था। वैसे चंदा चच्ची के लिए एक टिप है, चंदा चच्ची कह रही थी कि लोग इतना दिमाग लगाते हैं बहुत टाइम है, देखो चच्ची दिमाग लगाने के लिए टाइम नहीं, दिमाग चाहिए होता, जरूरी नहीं है कि उसके लिए पूरे दिन बैठ के देखना है किसी को, 2 मिनट देखो पता चल जाए। और देखिए भाई 100 बातों की एक बात, मैं तो अंत में यही कहूंगी कि मैं तो ऐसे भरोसा करूंगी ही नहीं, मैं तो रश्मा की कसम या तो मानती हूँ या तो चच्ची जो है अपने एडसेंस अकाउंट की कसम खा के बोल दे कि भाई ये जुड़वा बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा ऑल टाइम लॉन्ग, और या फिर उसकी भी जरूरत नहीं है वैसे,
भाई देखिए, जब चंदा चाची डेली कंटेंटू दिखाती है, खुद को दिखाती है, चिज्जा दिखाती है, कढ़ाई में तेल दिखाती है, डेली दिखाती है, तो वो दोनों बेबीज तो है चंदा चाची के पहले प्यार। फिर चंदा चाची उन दोनों को दिखाने में क्यों हो जाती है शर्मसार। अच्छा, चंदा चाची की एक और बात याद आ गई मजेदार। चंदा चाची बोले कि वो पेडिग्री खरीद के लाई थी अभी, तो क्या खुद खा जाती है? तो मैं बता दूं कि चाची आपने बस नाम ही लिया था, दिखाया नहीं, वो कहीं नजर ही नहीं आया कि कब आया कब गया। अब तो पुराना पैकेट भी निकाल के दिखा सकते हो, पता नहीं, लेकिन तब तो नहीं दिखाया था जब लाई थी। और हमें क्या पता, क्या पता खा लेती हूँ, हमें क्या पता। और देखिए भाई, सीधी सीधी बात है, चंदा चाची ने जो लिविंग कंडीशंस अभी बताई है हमको, कह रही है बड़ा वाला कमरा है, बड़ा वाला कमरा है, बड़ा कमरा हो चाहे छोटा कमरा हो, अकेले में वो बंद रहते हैं 24 घंटे, सिर्फ 2 बार उनको सिर्फ चचा देखने के लिए मिलता है। तो मुझे तो वो कंडीशन भी सही नहीं लग रही है, चाहे वो ओरिजिनल वाले हो चाहे वो डुप्लीकेट वाले हो, वो तो बात ही गई। अगर ये डेली भी दिखाएंगे तो मुझे तो तब भी चिंता ही हो रही है। चलिए, अच्छी बात है कि चचा बाप का फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन माँ ने एकदम छोड़ रखा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो माँ भी तो थोड़ी अच्छी माँ बन के दिखाए और जाया करे, झांका करे, देखा करे क्या चल रहा है, और दिखा दिया करे। और अंत में यही कहूंगी कि देखिए, अगर रोज नहीं नजर आ रहे, ये तो मान के चलिए कि आज चीख ली है, इसके बाद फिर से गायब हो जाएंगे कई मंथ के लिए। लेकिन मान लीजिए थोड़ी बहुत ईमानदारी है, रोज दिखेंगे तो ठीक, रोज नहीं दिखेंगे तो समझ लीजिए जो कमेंट्स जा रहे हैं वो सही हैं कि नहीं है। चंदा चाची ने स्क्रीनशॉट्स निकाल के रखे हुए हैं।